वेलकम टू इंट्रोवर्ट लाइफस्टाइल। तो आज मैं फ़िश जो बना रही हूँ ना, वो बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, और ये मतलब यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा। तो मैंने टमाटर लिया और कांदा लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है, तो ये धनिया भी लेने का, और हाँ मिर्ची भी डाल सकते हो आप। मैं तो मिर्ची डालना भूल गई थी, फिर बाद में मैंने मिर्ची भी ऐड कर दिया। तो मिर्ची डाल के, धनिया डाल के, और ये और भी मसाले मैं बताती हूँ, ये सब एक साथ पीसना है। जीरा ले लेने का है, और काली मिर्च और राई, ये इतना मतलब जो क्वांटिटी देख रहे हो आप लोग मैं कैसे डाल रही हूँ। तो ये कांदा, टमाटर और ये धनिया और क्या बोलते हैं जीरा, और ये सब मैंने सूखा वाला धनिया, हाँ, तो ये भी इतना डालने का है, और मिर्ची डाल लेने का है, और लहसुन भी डालने का है। लहसुन अराउंड 5 से 6 लहसुन, जो पतले पतले होते हैं वो, अगर बड़े लहसुन है तो 4 में बस बहुत हो जाएगा। तो तेल गरम कर लेना, और गरम तेल होने के बाद मेथी डालना है, और इसको हल्का ब्राउन करना है, जलाना नहीं, हल्का ब्राउन। फिर कड़ी पत्ता डालने का है, और जो मसाला हमने पीसा था वो मसाला डालने का है। उसके बाद थोड़ा हल्दी और नमक, तो इसको ना कच्चापन मसाले का हम लोग को अच्छे से हटा देने का है, मतलब थोड़ी देर तक जैसे ऑयल साइड साइड से ना निकले, मतलब कच्चापन ना आ रहे, तो उसको हम लोग को अच्छे से भून लेने का है तेल में, कि मतलब वो थोड़ा मसाले का कच्चा टेस्ट आए। तो उसके बाद हम लोग को एक टमाटर लेने का है और काट के डाल देने का है इसको। तो साइज़ डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा साइज़ डालने का है। तो ये टमाटर डालने के बाद आप लोग को फ़िश डालने का है, और हल्का नमक ऐड करने का है फ़िश डालने के बाद, और उसके ऊपर मसाला रख के ऐसे ढक देने का है थोड़ा, 5-10 मिनट के लिए बंद कर देंगे, कि मसाला का टेस्ट जो भी है वो फ़िश के अंदर अच्छे से आ जाए। तो हम लोग अच्छे से इसको ढक देंगे, और इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, चलाने पे ये मच्छी बहुत जल्दी टूटने लगता है। तो हम लोग को साइड से या नीचे से हल्का हल्का ऐसे हिलाने का है, और उसके बाद हम लोग ने ढक दिया है नमक डाल के, और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और 10 मिनट के बाद इसको धीरे धीरे हम लोग चलाएँगे, और ऐसे मतलब अचानक से मिक्स नहीं करना है, कहीं कहीं जहाँ गैप है वहाँ पर हम लोग को ये चम्मच डाल के मतलब शेक करने का है थोड़ा हल्का सा। और उसके बाद ये बन के रेडी हो गया, ऊपर से धनिया काट के डाल देंगे, और ये हो गया रेडी। और नमक टेस्ट कर लेना कैसा रहेगा, फिर चावल, मच्छी और रोटी जो भी है खा सकते। तो ये ट्राई करके मेरे को बताना रेसिपी कैसा लगा।